वालेकुम माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ और क्या कहते हैं, गैस देखें इतनी सी आई है अभी। और तो फिर मैं तहरी बनाने लगी हूँ। वैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि हम बीफ बिरयानी बनाएंगे, बट अभी 11 बज रहे हैं तो गोश्त गलने में तो टाइम लगेगा, बीफ गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ आलू की तहरी। तो इसके लिए मैंने प्याज लिए, ये आलू हैं, टमाटर, ये सब मैंने बिरयानी के लिए काटा था, लेकिन अब ये तहरी बन रही है। ये हसन साहब मस्तियाँ कर रहे हैं, ये देखें नंगे, इनको ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये नानी के घर आते ही इस तरह ही मस्ताने में लग जाते हैं। तो गाइस ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज के बाद हम थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर हम। एक मिनट, ये देखें सारे सबकी आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ मैं अकेली होती हूँ ना, यहाँ देखें सबकी आवाज़ें आ रही हैं, सब चीज़ें रख लिया करो, ये कर लिया करो। और ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है, और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई का, तो मैं अभी भी घर रुकी हुई हूँ। मेरे भाई के हाथ में और पाँव में और मुंह पे लगी थी, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके खराशें वगैरह आई थी और हाथ में लगी थी और उनके अंगूठे में लग गई थी, तो उनका अंगूठा सूज रहा है। तो गाइस उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक को सेहतमंद तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि फिर मैं अपने घर चले जाऊँ और फिर वहाँ से आपको रेसिपी दूँ। वीडियो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, गेस्ट वगैरह इतने आ रहे थे तो इसी में टाइम गुजर जाता था। और यहाँ पर गैस का बहुत मसला है तरजानी में, अल्हम्दुलिल्लाह गैस का कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है। अब गैस आई है तो खाना बनाना स्टार्ट हुए हैं। और ये हसन साहब को बड़ी गर्मी लग रही है, ये देखें ज़रा इनकी, ये देखें इनके पर गर्मी आ गई। हसन ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हैं हसन गिराओ नहीं, ये मस्तियां करने में लगे रहते हैं। सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं, नमक, हल्दी, कुटी मिर्चें और बिरयानी मसाला। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, चले ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ और फिर आपको इसके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अब दोबारा से शादी के फ्रेंड वगैरह आ रहे हैं उसको देखने, और यह हसन साहब की मस्ती ख़त्म नहीं होती है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको जल्द अज जल्द सेहत याब कर दे, ताकि वो दोबारा से जॉब पे जाने लग जाए, क्योंकि घर में रह के इंसान पागल हो जाता है, और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना रखे। और ये मेरी प्याज फ्राई होने वाली है, और आप देखें गैस कितनी हल्की हल्की सी आ रही है, और ये अंगीठी है तो इसमें इतनी आ रही है, अगर मैं चूल्हे वगैरह यूज़ करती तो बहुत कम आ रही होती है। और हमारी ये प्याज फ्राई हो चुकी है, अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी। ये सादिक साहब है ना, ये हसन साहब के अंदर घुसे जाते हैं। लगाओ चमान इसको, हाँ बस ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बाद हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। वैसे तो मैंने आपको ये आलू की तहरी की रेसिपी शेयर कर दी है, लेकिन अब मैं ये अम्मी के घर पे बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। और ये अब सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, बिरयानी मसाला, कुटी मिर्चें, हल्दी और ये नमक। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं चिकन पाउडर भी इसमें ऐड करूँगी,
और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा क्या हो गया क्या बदतमीजी हो रही है हसन 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 नानी को खिलाओ लॉलीपॉप हसन को ना यहाँ के बड़े मस्खरा बन जाता है हसन हसन मजा आता है आपको अरे खा ले मामू को हसन मामू को हसन मामू को खिलाओ आप इनके ऊपर ना कुछ ज्यादा ही गर्मी छा गई है हसन नहीं वो काम कर रही है चलो ऑटो चलें गाइस ये हसन बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं अब मैं चिकन पाउडर डालने जा रही हूँ किचन में अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है और इसको हम मिला लेंगे अच्छे से और आप ये मसाला चेक करें ज़रा कितना शानदार मसाला बना है ये माशाल्लाह से और इसके अंदर अब हम थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़े से ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया भी अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर देंगे और ये 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे अच्छे से और जब ये आलू गल जाएंगे फिर इसके बाद हम टमाटर और ऐड कर देंगे चलें हम इसको मैं कवर करके रख देती हूँ और ये हसन आप एप्पल मैंगो बनाना बना रहे हैं और ये चेक करें क्या क्या बना रहे हैं कीड़े मकोड़े ये हसन आपको बस यही आता है एप्पल बनाओ एप्पल एप्पल मैंगो बनाना मैंगो एप्पल क्या बनाएंगे आप अच्छा वेयर इज बाबा बाबा ये वाला मैंने पूछा है आपके बाबा कहाँ पर हैं हसन आप दादा को हाय कर दें दादा दादी को हाय करें हसन दादी हाय अव्वा भी कर दो इधर 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 देख के यूं कर दो अव्वा ये देखें जरा इसको हाय कैसे कर रहा है ये अपनी खाला के साथ ये देखें जरा ये हाय ये देखें जरा इनकी हाथ देखें ये देखें जरा नए बच्चे नए नए तरीके से हाय हसन सिग्नेचर करना सीख रहे हैं आप ओके किसके बाबा के नाम का मामा के नाम का क्या कह रहे हैं आप फुप्पो को कर दो हाय ओ फुप्पो को अव्वा दे दिया हीरा तुम्हें अव्वा दे दिया अभी वीडियो सेंड करती हूँ तुम्हें हसन आज पढ़ने का हसन का बहुत दिल चाह रहा है हसन हसन आपका हाय बहुत अच्छा है आप हाय करो हाय आई लव यू हसन अव्वा कर दो दादा को अव्वा कर दो दादा दादी को हसन आपको सबकी आवाज़ें आ रही होंगी गैस हल्की है एक बोल रहा है गोश उबालने रख दो एक बोल रहा है कल बिरयानी बना लेना चलें अब बिरयानी की तरफ चलते हैं हम देखते हैं बिरयानी क्या सूरत हाल है ये मैंने सलाद भी बना ली है ये है मूली खीरा और ये प्याज और ये मैं चावलों में ऊपर से ऐड करूँगी और ये हमारी यखनी रेडी होने वाली है बस आलू में थोड़ी सी कसर है और ये मैं आपको हसन की मस्तियाँ दिखाती हूँ जोरों से मारा सोने नहीं दिया इसने क्या हुआ बेटा क्यों तंग कर रहे हो सबको क्यों तंग कर रहे हो ये देखें ये नानी से मस्तियाँ करते रहते हैं हसन हसन क्या कर रहे हो ये देखें ज़रा जब इनसे कोई चीज़ छीन ली जाए तो ये इस तरह का शोर मचा देते हैं हसन हाय करो इनका हाय चेक करें आप अंग्रेज़ों वाला हाय गाइस हसन बोलो हाय गाइस हाथ उठा के करो साइम देख रहा है साइम देख रहा ऐसे कर लो ऐसे करो अच्छा अब इसमें मैं चावल ऐड करने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Yeah.
और इसमें एक गिलास पानी और ऐड कर दूंगी मैं। हम एक गिलास पानी और ऐड कर रहे हैं राइस में क्योंकि पानी कम लग रहा था। अब इस ये हमारे दम पर आने वाले हैं, फिर हम इसमें दम लगाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। यहाँ पर ये हसन साहब आ गए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे ताकि आपके चावल खिले खिले लगें। 2 टेबल स्पून मैंने घी इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हसन साहब मुझे चिल्ला रहे हैं कि मम्मा मुझे फेटर चाहिए। तो बस अब ये मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा दरदे का रंग भी ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये ऐड करके इसको तवे के ऊपर दम पे लगा देंगे। अब हम चावल को, ये देखिए हमारे चावल, अब इसको हम एक दफ़ा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि ये जो नीचे वाले ऊपर हो जाएं और ऊपर वाले नीचे और पूरी तरीके से दम लग जाए। और 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे और हम नौश फरमा लेंगे। गाइस इतना वेट करने के बाद आफ्टर ऑल ये तहरी रेडी हो चुकी है और हम खाने लगे हैं, ये देखें। और अभी मेरे आजू बाजू सब लोग बैठ जाएंगे और सबका भूख से बुरा हाल है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।